स्टैट्स बता मुझे अब। तुझे तेरे स्टैट्स बता कि क्या है तेरे स्टैट्स अब। तू मुझे स्टैट्स बता। तुझे पता आता है कि चुप रहने का मतलब क्या होता है? सैयद खुर्शीद, आई वांट टू टॉक टू यू, कम हियर। हम कैंप की तरफ वापस आए और मैंने देखा सुरभि खुर्शीद के ऊपर चिल्लाना शुरू हो गई। मुझे पता नहीं था उस टाइम हो क्यों रहा है और उसने खुर्शीद को उस टाइम क्यों सुना रही है। स्टैट्स बता मुझे अब। तुझे तेरे स्टैट्स बता कि क्या है तेरे स्टैट्स अब। तू मुझे स्टैट्स बता। तुझे पता आता है कि चुप रहने का मतलब क्या होता है? बंदा किसी काम के लिए जा रहा है, उसके पीछे चक्कर चक्कर नहीं करते, उसको फोकस करना होता है। तेरे लिए नहीं आया हम गेम में, बाकी के 19 लोग तेरे स्टैट्स सुनने नहीं आए। सबके अपने स्टैट्स हैं यहाँ पे। तू कौन है तू? मेरे को समझाने वाला, उसको समझाने वाला, इसको समझाने वाला, तू कौन है? तू खुद की गेम समझ। तू दूसरे को क्यों बताता फिरता है? टास्क चल रहे थे, सुरभि आराम से बैठी हुई थी, तो उसने खुर्शीद ने उसको पीछे से बहुत ज्यादा अनॉय किया था। वो तब भी वोट आउट्स की कुछ बात कर रहा था, तो सुरभि को बहुत ज्यादा वो गुस्सा भर गया। मेरे को लग रहा था आज तो ये सैयद का बेटा पिटेगा, और वो पिट जाता ना एक बार, मजा आता है। सीरियसली चुप रहना सीख। क्या बोला मैंने? तूने क्यों दूसरा काम करता है? मैंने बोला बात मत कर। तू मेरे पीछे पीछे आके पचड़ 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 करता रहता। मत किया कर। खत्म कर दिया। खतरनाक। मेरी विसिनिटी में नहीं दिखना। समझाता? नहीं दिखना। आप प्रेफरेंस नहीं थे गैंग लीडर्स के, तो मेरी गलती नहीं है। चलो गैंग लीडर्स के बाद जो और चार लड़कियां थे उसमें भी नहीं थे आप। आप मेरे को क्यों ब्लेम कर रहे भाई? मैंने उसे ऐसा सुनाया कि वो जिंदगी भर एटलीस्ट मेरे पास आके तो अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं ही सुनाएगा। सुरभि तो चरी हुई थी, पूरा फुल ऑन उसका गुस्सा नाक में क्या बालों तक पहुंच गया था। ठीक है, मैं वहां पे उसे शांत करने गया। जब देखो सबको भड़काता रहता है, भड़काऊ साला। वो अचानक से वो डायन चुड़ैल उल्टा कमीनी मेरे ऊपर भड़क गई। कोई तो है नहीं तेरा चुड़ैल, मैं ही तेरा तुझसे बात करता हूँ, तू मुझे भी भगा रही है यहाँ से। दिमाग कुछ है तेरा? देखो बेस्ट पार्ट तो ये है, कल विदित गया, सब क्या नेक्स्ट टारगेट थे इधर मिनी और मैं। अभी देखो कल जो इतनी दोस्ती दिखा रहे थे ना, अभी आपस में लड़ रहे। विदित गया, वो रोके गया इन लोगों के लिए, उसने इतना भरोसा किया था इन पे, और अब इन देखो एक दिन में इनकी खुशी सारी चली गई और हमारे पास आ गई। आप ये विक्रम मित्तल का क्या लफड़ा था? क्या कर लेगा तू विक्रम मित्तल बन के? भाई देखो मैं पहली बार बोला क्या वो यहाँ पे? किससे पूछ के बोला? खुर्शीद ने कुछ ज़्यादा ही गलत बोल दिया मेरे बारे में कि मैं इसके कंधे पे बैठकर शो वो के आगे तक जाना चाहता हूँ, इसका यूज़ करूँगा, ये तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ही खराब हो चुका था। क्या कर लेगा तू कंधे बैठ के? कहाँ जाएगा भाई? सीधी सीधी बात, कहाँ जाएगा तू? मैं अपना है तू, इसलिए ये समझ के बोला। तुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है, आपसे कभी भूल गया भाई। मेरी गलती थी, तेरे वैसे बेवकूफ़ को मैंने विक्रम बोला। विक्रम के बारे में अगर पढ़ा ना, थोड़ा पढ़ ले, मालूम पड़ता कितना समझदार आदमी था वो, और तेरे को बोला मैं, बोले तो मैं ही बेवकूफ हूँ। सही में ये मंदबुद्धि क्या है? मंदबुद्धि का मतलब बता। सुन हाँ बोल। एक ही चीज बोलूंगा, बता। इससे पहले ठीक है, अभी क्लियरली दिख रहा है कि तुझे ने मेरे से प्रॉब्लम है, ठीक है? तेरे ऐसा ना मेरे घर नौकर रहते हैं, नौकर। जो मंदबुद्धि बोलेगा मेरे को, तो मेरा दिमाग बहुत ज्यादा ही खराब हो चुका था, और मैं हाइपर बहुत ज्यादा हो गया था। तूने कुछ नहीं किया, तूने कोई हमारा जी अपना दिमाग छोड़ दे, घर पे रहता है, हो चुका था। तेरा दिमाग नहीं चला तेरे से कुछ नहीं हुआ यार, तू क्यों स्मार्ट बनता है यार? स्मार्ट कहां बनता है? वो स्ट्रेटजी बना के अपने दिमाग में सोच लेता, ये चीज ऐसे होनी, ये चीज ऐसे होनी, कान रख के बैठे यार। एक बात तो दिल से बोल रहा हूँ कि इन्हें तुम लोगों का जो लेवल ऑफ आईक्यू है, जो समझने की इन्हें अंडरस्टैंडिंग है गेम की, वो देख के आज इतना पता चल गया कि तुम लोगों के साथ रहा तो डैमेज है। तेरा टेंट खाली है ना एक बंदा, इसको यहाँ से ले जाना भाई, नहीं तो मैं रात को मैं जा रहा हूँ। ये बात वहीं खत्म नहीं हुई। सोनू ने खुर्शीद को बोला, अपना सामान उठा, मेरे टेंट से यहीं के नहीं निकल जाओ।